चलिए इसी बीच बड़ी खबर हम आपको बता दें, पीड़िता की फेसबुक पर कठुआ निवासी से दोस्ती हुई थी और युवक ने शादी को का झांसा देकर के गुरुग्राम बुलाया था। यहीं से मामला सामने आया है, इस वक्त की बड़ी खबर है, भिवाड़ी से बड़ी खबर इस वक्त की, जहां पर प्रेमी को तलाश करती पहुंची युवती गैंगरेप का शिकार हुई है। भिवाड़ी से बड़ी और अहम जानकारी, युवती के साथ गैंगरेप होने की जानकारी मिल रही है। प्रेमी को तलाश करती हुई यह युवती यहां पर पहुंची थी और इसी दौरान इस युवती से गैंगरेप किया गया। सामूहिक दुष्कर्म का मामला महिला थाने में दर्ज किया गया है। जैसे इस बात की जानकारी मिली, जानकारी के मुताबिक पीड़िता की फेसबुक पर कठुमर निवासी से दोस्ती हुई थी, युवक ने युवती को शादी का झांसा देकर गुरुग्राम बुलाया और यहां पर गुरुग्राम में युवती के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया। प्रेमी युवक युवती को गुरुग्राम से छोड़कर फरार हो गया। पीड़िता प्रेमी को तलाश करते हुए भिवाड़ी पहुंची थी, जहां पर भिवाड़ी में उसके साथ गैंगरेप की वारदात हुई है। थाने में एक प्रकरण पंजीबद्ध किया है, एक पीड़िता 25 वर्षीय युवती है, उन्होंने आज एक प्रकरण पंजीबद्ध करवाया है। तो उसमें दो तीन जो उनके परिचित हैं उनका नाम लेकर के और दुष्कर्म करने की रिपोर्ट दर्ज कराई है। ये प्रकरण महिला थाने में दर्ज करके पीड़िता का मेडिकल मुआयना करवा दिया है, बयान दर्ज कर लिए हैं और बाकी की इस मुकदमे में कार्रवाई की जा रही है। आरोपियों की तलाश के लिए टीमें भिजवाई हुई हैं और हमें आरोपियों के संबंध में काफ़ी पुख्ता जानकारी मिल गई है, तो जल्दी ही उनको दस्तियाब करके और इस प्रकरण में आगे कार्रवाई की जाएगी। पीड़िता ने एक आरोपी से कोई फेसबुक पर मुलाकात होना बताया है और चूंकि इसमें अनुसंधान अभी जारी है, अनुसंधान की और स्थितियों के बारे में जो ही प्रगति होगी। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सुरेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र, क्या है आखिरकार पूरा मामला, अभी क्या कुछ अपडेट आपके पास है? जी देखिए हेमंत, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो अभी तक हमें जानकारी मिल पाई है वो ये मामला है कि ये जो पीड़िता है वाराणसी की बताई जा रही है और वाराणसी से इसकी किसी युवक के साथ फेसबुक पर दोस्ती हुई और उसके बाद शादी का झांसा देकर इसको गुड़गांव बुलाया गया, जहां इनके साथ दुष्कर्म वहां भी किया गया और साथ में दो तीन जगह राजस्थान के जो क्षेत्र है वहां इन्हें ले जाया गया। उसके बाद इनको गुरुग्राम में ले जाकर फिर से छोड़ दिया गया। तो उस प्रेमी को तलाश करते हुए ये जो पीड़िता है वो भिवाड़ी पहुंची थी, जहां पर दो अन्य लोगों के ये हत्या चढ़ गई, वहां उनके साथ भी दुष्कर्म हुआ। तो जैसे तैसे करके चंगुल से निकलकर पीड़िता भागी, तो पुलिस की एक सिग्मा गाड़ी नजर आई जिसमें उन्होंने मदद मांगी और पुलिस भिवाड़ी पुलिस ने मदद की और भिवाड़ी पुलिस ने पूरा मामला अपने संज्ञान में ले लिया है, मामला दर्ज कर लिया है और जो पुलिस उपाधीक्षक हरिराम कुमावत मामले की जांच में जुटे हैं। हेमंत बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और